हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट बीएड में ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट है कि हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है या क्या इम्पॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की एजुकेशनल असेसमेंट में सो स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एजुकेशन एजुकेशनल असेसमेंट बाय प्रोवाइडिंग द टूल्स एंड टेक्निक नेसेसरी फॉर कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड एजुकेशनल आउटकम देखो हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है एजुकेशनल असेसमेंट में कि स्टैटिस्टिक्स की वजह से ना हमें ऐसे कई टूल्स मिलते हैं ऐसे कई संसाधन या ऐसी टेक्निक्स हमें मिलती हैं जो कि ज़रूरी है बच्चों से रिलेटेड डाटे को डाटा को यू नो कलेक्ट करने के लिए उसको अच्छे से एनालाइज़ करें और उसको एनालाइज़ करके फाइनली हम लोग कोई डाटा निकालें जो बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में या फिर जो हमने पढ़ाया है उसका जो आउटकम आया है उसके बारे में हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन दें ठीक है तो स्टेटिस्टिक की जरूरत क्यों है अभी पढ़ेंगे लेकिन ये एक मोटा मोटा बता दिया कि डाटा कलेक्ट करने के लिए एनालाइज करने के लिए उसको इंटरप्रेट करके उसमें से कुछ यू नो यूजफुल आउटकम्स निकालने के लिए नाउ लेट्स डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि क्या नीड एंड इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की एजुकेशनल असेसमेंट में सो हे आर आर द डिटेल नीड्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट सबसे पहले है डाटा कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स क्या करता है ना ये हमको कई ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में बताता है जो हमें चाहिए जब हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है ना हमें असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि टेस्ट सर्वेस क्वेश्चनर्स ये सब बनाने का या फिर इसके बारे में बनाने के बारे में पता चलता है जिससे हम गैदर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं किसके बारे में बच्चों के बारे में स्किल्स के बारे में उनके एटीट्यूड्स के बारे में ठीक है पर तो अब जैसे एग्जाम्पल है अगर हम बात करें स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करके एजुकेटर्स जो हैं वो ये इंश्योर कर सकते हैं वो ये पक्का कर सकते हैं जो डाटा आपने कलेक्ट करा है यानी जो भी अब सारे डाटा में से या जो भी चीजें आपने कलेक्ट करी हैं वो सारे बच्चों की पॉपुलेशन को दर्शा रहा है तो सबसे पहला मोटा जो आपका जैसे कहना चाहिए मोटा मोटा कि वो पहला यूज ये है कि स्टैटिस्टिक्स हमारा जो बच्चों से रिलेटेड डाटा है उसको इकट्ठा करने में मदद करता है दूसरा आ गया डाटा एनालिसिस एक बार आपने डाटा कलेक्ट कर लिया तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है अलाउ करता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ठीक है एक बार आपने डाटा कलेक्ट कर लिया तो अब स्टैटिस्टिक्स की वजह से स्टैटिक्स सॉरी स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप लोग एनालाइज कर सकते हो एंड इंटरप्रेट कर सकते हो इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल टेक्निक जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो क्या करती है ना वो हेल्प करती हैं डाटा को अच्छे से प्रेजेंट करने में देखो डाटा इकट्ठा कर लेना उसको समझ लेना इज़ नॉट इनफ आप एक्चुअली में क्या दिखाना चाहते हो आप बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स और अकॉर्डिंग टू द पैटर्न तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम लोग इस डाटा को अच्छे से एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है ये जो एनालिसिस है ये एनेबल करता है यानी एडुकेटर्स को इस लाइक बनाता है कि वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझें एंड साथ के साथ वो ये भी देख पाए कि जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं यानी जो भी उनकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं क्या वो इफेक्टिव हैं या नहीं तो इन सब डाटा को एनालाइज करने के बाद बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के बाद एजुकेटर समझ पाते हैं कि हमारा जो हमने पढ़ाया है क्या स्ट्रेंथ थी क्या वीकनेस थी एंड हमारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज कितनी इफेक्टिव थी ठीक है और उसके बेसिस पे हम लोग अपने खुद के डिसीजन ले पाते हैं जो कि हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिस को अच्छा करेगा सपोज डाटा एनालिसिस में ऐसा ट्रेंड दिखा कि बच्चों की परफॉर्म

जैसे कि आइटम डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन इससे क्या होता है ना हम लोग ये देख पाते हैं कि जो टेस्ट आइटम है उसका assist, मतलब वो कितना क्वालिटी कैसा है कितना इफेक्टिवनेस है उसको हम जांच पाते हैं एज अ टीचर ठीक है तो अलग अलग मेथड्स बने हुए हैं हमारे टेक्निक्स को भी टेस्ट करने के लिए हमारे टेस्ट को भी टेस्ट करने के लिए क्या वो सही है क्या नहीं है स्टेटिस्टिकल मेथड जैसे कि क्लासिकल टेस्ट थ्योरी और आइटम रिस्पांस थ्योरी वो ये बताते हैं कि जो हमारा असेसमेंट है वो कितना रिलायबल है कितना वैलिड है मतलब क्या वो काम का है भी नहीं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट गुड रिसर्च यू नो जिस जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कोई टेस्ट कैसा है इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो कवर करी हुई है तो वो ये इंश्योर करता है कि हम एक्चुअली में क्या मेजर करना चाहते हैं वो मेजर करेगा या नहीं करेगा तो स्टेटिस्टिक्स से हमको इस सब चीजों में हेल्प मिलती फिर आया स्टैंडर्ड सेटिंग स्टैटिस्टिक्स क्या करता है ना हमें मेथडोलॉजी देता है किसके लिए फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस बेंच मार्क्स इन एजुकेशनल असेसमेंट यानी यहाँ पे क्या होता है ना ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लगा दिया है यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी प्रोफिशेंसी लेवल क्या है या कट ऑफ स्कोर क्या है डिफरेंट लेवल के लिए इन सब चीजों की हेल्प से हम स्टैंडर्ड सेटिंग कर सकते हैं और स्टेटिस्टिक्स हमें ये हेल्प करने में मदद करता है कट ऑफ स्कोर आप एग्जाम्पल दो आप कोई एंट्रेंस देते हो तो कट ऑफ कोई बैठे बैठे तो नहीं निकालता ना कि एक पर्सन ने बोला कि चलो इस साल इतनी कट ऑफ निकालते नहीं वो डे डाटा को यूज़ करते हैं दे यूज द होल रिजल्ट कि कैसा रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे कट ऑफ स्कोर्स या फिर वो ये देखते हैं कि टेस्ट कैसा था डिफिकल्टी लेवल कैसा था उसके बेसिस पे वो फाइनली एक टेस्ट निकालते हैं इससे क्या होता है ना स्टूडेंट सॉरी एडुकेटर्स ना तो बच्चों की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाते हैं ये देखते हैं कि कितने हाई अचीवर्स आए हैं कितना बच्चों का रिजल्ट आया सपोज आपने कट ऑफ ऐसी निकाल दी जो रिलेटेड ही नहीं है टेस्ट से तो ये बड़े बड़े टेस्टों में स्टेटिस्टिकल चीज़ें यूज होती है फॉर द सेटिंग ऑफ द कट ऑफ एंड फॉर ऑल अदर फैक्टर्स देन इवेल्युएशन स्टेटिस्टिक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमें किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम को इवेल्यूएट करना है या ये देखना है क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है तो कई सारी स्टेटिस स्टेटिस्टिकल टेक्निक जैसे कि हाइपोथी टेस्टिंग इफेक्ट साइज कैलकुलेशन उससे हम लोग किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम को अच्छे से उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि वो कितना इफेक्टिव रहा कितना नहीं रहा क्या कमी रही एंड फाइनली इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग प्रोग्राम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं चेंजेस ला सकते हैं कि ठीक है ये नहीं इफेक्टिव रहा चलो चेंजेस कर देते हैं ठीक है तो ऑल दीज द प्रोग्राम इवेलुएशन नाउ अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिसी डेवलपमेंट स्टेटिस्टिक जरूरी है एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी के लिए ठीक है तो बेसिकली आप बताओ पॉलिसी मेकर्स कैसे कोई पॉलिसी बनाते होंगे तो वो लोग क्या करते हैं ना उनके पास इतने सालों का डाटा होता है वो उस सबको यूज करके वो उस पर रिलाय करते हैं दे बेसिकली आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेटिस्टिकल डाटा वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं एंड उसको यूज़ करके वो मॉनिटर करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं स्कूल्स की परफॉर्मेंस देखते हैं ये देखते हैं कि क्या आउटकम आ रहा है एजुकेशन का एंड उसके बेसिस पे फाइनली वो पॉलिसीज बनाते हैं या रिसोर्स एलोकेट करते हैं या एजुकेशनल रिफॉर्म्स यानी कि एजुकेशन में कोई चेंजेस लाना होता है वो इसके बेसिस पे करते हैं ठीक है तो इसका एम क्या है हमें ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिटी को बढ़ाना है अच्छा करना है लेकिन आप कैसे करोगे पॉलिसी डेवलप करके अकाउंटेबिलिटी बढ़ा के ठीक है देन कम्स एजुकेशनल रिसर्च एक फंडामेंटल टूल है एजुकेशनल रिसर्च में मतलब ये अलाउ करता है रिसर्चर्स को कि वो स्टडी करें डिजाइन एनालाइज करें डाटा को और उसमें से मीनिंगफुल मतलब कंक्लूजनस निकालें अब ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स में जो आप पढ़ेंगे एजुकेशनल रिसर्च में जैसे कि कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस वो सबसे क्या होता है ना Uh, जो भी लोग रिसर्च कर रहे होते हैं वो किसी भी दो चीजों के बीच के रिलेशन को देख पाते हैं कि आपस में कितने रिलेटेड हैं इससे आउटकम पे क्या फर्क पड़ेगा एंड फाइनली आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज दे आर एबल टू मेक सर्टेन थ्योरीज या फिर जो भी उनकी हाइपोथिस है उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर पाते हैं सो देर आर मेनी मेनी एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट ओवरऑल रिसर्च में तो होता ही है मतलब स्टेटिस्टिक्स तो बहुत ज्यादा यूज होता है लेकिन यहाँ पे बात हुई थी कि असेसमेंट में कैसे यूज होता है तो आई थिंक आपको इस वीडियो के बाद समझ में आ गया होगा कि कितना ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स एंड कैसे वो हेल्प करता है एजुकेशनल असेसमेंट में ना ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए एंड साथ के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं ना आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा मैंने बहुत सारी वीडियोज़ उसमें अरेंज करी हुई हैं ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो बी एड और नेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या मेरा किसी भी कंटेंट से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है तो देर इज अ ऑप्शन बाई मी बुक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको यूज करके यू कैन पे एंड यू कैन बाय मी बुक सो ये आपके ऊपर है हाउ मच यू वॉन्ट टू पे एंड साथ के साथ अगर कोई डाउट है या नहीं समझ में आ रही है कोई चीज तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकी थैंक यू सो मच हैव हैवे नाइस सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो